यही मन के स्वभाव की वजह से हमें पुण्य करना आसान नहीं होता, हमें पाप से दूर होना आसान नहीं होता। स्वागत है आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये वर्षावास धम्म कार्यक्रम में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज का ये वर्षावास कालीन धम्म कार्यक्रम हम यहाँ छत्रपति संभाजी नगर के समता नगर में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। विशेषतः यहाँ सुरतकर परिवार श्रद्धावान उपासिका सुलोचना और उनके परिवार ये भाई प्रियानंद, उपासिका सुजाता, प्रिया, अनुज, विद्यानंद, मनीषा, आर्यन, ऐसे संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सभी जन मिलके आज का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम परिवार के लोग महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को फूल माला करते हुए अगरबत्ती मेनबत्ती जलाते हुए पूजा करेंगे। उपासिका सुलोचना सामने आइए, भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए, फूल से भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए। साधु 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 और माला माला डालिए। साधु 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 और एक मेनबत्ती जलाइए। आइए प्रिया प्रियानंद सुजाता भगवान पिता बाबा साहब को बैठ के लगाइए। और एक एक मेनबत्ती जलाइए। उसके बाद विद्यानंद, मनीषा, एक एक मिनट
सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं कमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि लोकासहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देता मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि भूतं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अभिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामिरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध कहते हैं परिसमंतो तायते रखतेते परितम। जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से जो आरक्षण देता है जो सुरक्षा करता है उसी को परित्राण कहते। परित्राण बुद्धवाणी है, तथागत बुद्ध के सत्यवाणी, तथागत बुद्ध के करुणावाणी, तथागत बुद्ध के मैत्रीवाणी ये परित्राण है। परित्राण सुनना भी मंगल है, पुण्य है। अगर ये बुद्धवाणी परित्राण को समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो दुखों से मुक्त भी हो सकता है। ऐसे बुद्धवाणी सुनना भी मंगल है। यही परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में जो जो ये परित्राण सुन रहे हैं सब के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। समन्त चक्रवाले सुआत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस सुनन्तु सगमोखदं अम श्रवणकालो अयं वदन्ता अम श्रवणकालो अयं वदन्ता परितदम श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो स
सम्मा सम्बुद्धो विद्या चरण सम्पन्नो सुखतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुषान बुद्धो भगवाइते स्वागतो भगवता धम्मो सामृतिको अकालिको येहि पासिको ओपनायिको पाचतं वेदिताब्बो वन्योहिते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामिचिपतिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिषयुगानि आता पुरिषपुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एतेन सच्च वच्चेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वच्चेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्च वच्चेन होतु ते जय मङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिशमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमाने सन्तु सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेतो न च कुतं समाचरे किञ्चियेन विञ्जो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभे सता भवन्तु सुखिता एकेचि पानभूता ते दशा वा थावरा वा अनवशेषा दीखा वा एव महान्ता वा मच्छिमरसकानुकतुला दीता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेषि वा सभे सता भवन्तु सुखिता न परो परं निकोपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चि व्यारोशनापतिकसंज्ञा नान्यमन्यस दुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषायेकभूतमनुराके एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमानं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमानं भूतं अधो तदिरियं च असंवादं अवेदं असपतं एतं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस विगतमिदो एतं सतिं अधीतेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो नीतिं चानुपगमशील वा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयकेतं नहि जातु गर्भशय्यम् पुनरेति एतेन सच्च वच्चेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वच्चेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्च वच्चेन होतु ते जय मङ्गलं दुःखपताय
भय पत्ता शनि भया शोक पत्ता शनि शोका बंधु सभे पिपानिनो एतावता चमे संबदं गुण्य संपदं सभे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्खन्तु सर्वदा भावना फिरता वन्तु गच्छन्तु देवता गता सभे बुद्धा बलपता पच्चेकानं चयं बलं अरहंतानं च तेजेन रक्खं वन्दामि सर्वशो आकाशथा च भूमथा देवानागा महितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्खन्तु बुद्ध शासनं आकाशथा च भूमथा देवानागा महितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्खन्तु धम्मदेशनं आकाशता च भूमत्ता देवानागा महितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्खन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि। आप सभी के जीवन में बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगानुभावेन खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी थोड़ा सा धम्मदेशन सुनेंगे, सब लोग आराम से बैठिए। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्खन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता। महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये बात सही है तो हमें ये जीवन को अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म, अच्छे से अच्छे धम्म करने में ही लगाना चाहिए। पाप तो कोई भी करता है, अकुशल तो कोई भी करता है, मगर वो पाप से दूर होना केवल मनुष्य ही कर सकता है। पुण्य कार्य धम्म कार्य में आगे बढ़ना मनुष्य ही कर सकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह दुख मुक्ति के मार्ग पे चलने वाले या भिक्षु भिक्षुनियों के लिए तथागत बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बताते हैं, उसी तरह परिवार के साथ समाज के साथ रहने वाले उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध तीन उपदेश देते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना। दूसरा है शीलं रक्खन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना। और तीसरा है भावना विरता हुंतु, मन को एकाग्र करो, ध्यान साधना करो। ये तीन बातें तथागत बुद्ध कहते हैं। दान देना ये पुण्य है,
सील पालन करना ये पुण्य है, ध्यान साधना करना ये पुण्य है। और ये मनुष्य ही है, अगर हम चाहे तो दान दे सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा क्या, हाँ कुत्ता मिलके उन लोगों ने भी दान दिया, हाँ कोई बिल्ली मिलके दान दिया, ऐसा सुना क्या? उन लोगों ने भी ऐसे धम्म देशना का कार्यक्रम किया, ऐसा हुआ क्या? न वो पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग दान दे सकते, न सील पालन कर सकते, न ध्यान साधना कर सकते, कोई भी पुण्य नहीं कर सकते, न तो ये पाप है करके पाप से दूर हो सकते है, हम इंसान ही कर सकते है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है। बुद्ध कहते हैं एक बार ये मनुष्य जीवन में गलत सलत कर दिया, पाप अकुशल कर दिया और सर के बाल दुर्गति में पतन हो गया या मनुष्य से नीचे पतन हो गया, तो समझ लेना वो जगह पे कहीं भी पुण्य करने की जगह नहीं है, पुण्य नहीं कर सकते। तो पुण्य नहीं कर सकते तो वो लोग फिर से ऊपर आना, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत 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 मुश्किल है। जैसे कीचड़ में फंसे एक पत्थर रहता है ना, दलदल में फंसे पत्थर, वो अपने ऊपर नहीं आ सकता, वो निरंतर नीचे 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 ही जाता है। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो वहां पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य कर नहीं सकता, तो ऐसे में वो निरंतर दलदल में फंसे पत्थर जैसा नीचे 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 ही जाएगा, और पुण्य नहीं, पाप से दूर नहीं, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना असंभव जैसा है। इसलिए ये छोटा मोटा जीवन नहीं है। दुनिया में कोई भी दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमत पारमिता, ऐसे 30 पारमिता पूर्ण करके बुद्ध बनने वाले भी मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य में ही वो बुद्ध बन सकते हैं। बाकी कोई भी जीव जंतु पशु पंछी की पतंग में बुद्ध नहीं बन सकते, बाकी देवलोक ब्रह्मलोक में भी बुद्ध नहीं बन सकते, मनुष्य में ही बन सकते हैं। अगर हम चाहे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो अच्छे से दान देके सुगति पहुंच सकते हैं, अच्छे से सील पालन करके सुगति पहुंच सकते हैं, अच्छे से मन को एकाग्र करके मन परिशुद्ध किया तो सुगति प्राप्त कर सकते हैं, ये इंसान ही कर सकते हैं। तो ऐसा जीवन मिला है तो हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, दुनिया में जितने भी गलत है अकुशल पाप है वो मत करो, कुशल से उपसंपदा जो भी कुशल है, पुण्य है, धम्म है वो करो। जो काम करने से हमारा हानि नुकसानी होगा, अभी भी हानि नुकसानी, बाद में भी हानि नुकसानी होगा, अपनों का भी हानि नुकसानी होगा, ऐसे गलत काम मत करो। जो काम करने से अभी भी हमें सुख शांति मिलेगा, बाद में भी सुख शांति मिलेगा, अपनों का भी सुख शांति होगा, ऐसे पुण्य कार्य करो। मगर जितना भी हम कहे पाप नहीं करना चाहिए, जितना भी हम कहे पुण्य करते जाना चाहिए, आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसे बैठ के बातें करना आसान है, दूसरों को समझाना आसान है, पर सही मायने में पाप से दूर होना आसान नहीं है, सही मायने में पुण्य करते करते आगे जाना आसान नहीं है। अगर आसान होता बाबा साहब की पुण्य, इतना अच्छा धम्म मिला, जो धम्म में थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो अनगिनत पुण्य मिलता है, और अच्छे से धम्म के मार्ग में चलेंगे तो जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है। अगर पुण्य करना आसान होता तो
क्या हम दुख मुक्त नहीं होते क्या? क्या हम मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं होते क्या? आसन है क्या? धम्म देशना सुनना चाहिए, वो धम्म देशना के समय में भी मन एकाग्र करना मुश्किल है। मन बार बार नहीं जाते, नहीं जाते, जाते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है वो एक जगह टिका नहीं रहता, यहाँ वहां भागते रहता है। और सबसे बुरी बात, ये मन जो है मक्खी जैसा खाली गंदगी में ही जाता है। मन ना गलत गलत जगहों पे ज्यादा जाता है, अच्छे जगह पे नहीं जाता। जहाँ पुण्य होता है, जहाँ दान शील भावना होता है, ऐसे जगह पे जाने की इच्छा नहीं करते। जहाँ पिकनिक जाना है, घूमना है, फिरना है, पार्टी करना है, ये वो करना, वहां भागे भागे जाते। कितना भी नको नको नहीं नहीं बोलो, खींच खींच के लेके जाता है। ये मन का स्वभाव, यही मन के स्वभाव की वजह से हमें पुण्य करना आसान नहीं होता, हमें पाप से दूर होना आसान नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप से हमेशा हमें दुखद दुष्परिणाम ही आएगा, और पुण्य करते जाओ, धम्म करते जाओ, उससे हमें सुख शांति ही आएगा, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी। ये बात को जितने जल्दी अच्छे से समझेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। इसलिए जितना हो सके हमें श्रद्धा चित्त से दान देना है, हमेशा हमेशा शील पालन करना है, कम से कम गृहस्थ में रहने वाले 5 शील पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, और कम से कम मन को एकाग्र करना है, साधना करना है, ये पुण्य करते करते जाना है। एक समय महाकारुणी तथागत बुद्ध के पास कोसल देश के राजा प्रसेनजीत आते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, भगवान अब हमेशा दान देना है, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं, सही में दान कहाँ देना है, दान कहाँ देना है, किसको देना है? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि दान अब कहाँ देना है, दान तो बुद्ध को देना है, धम्म को देना है, संघ को दान देना है, बुद्ध विहार में दान देना है, ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं यत् चित्त पसीदति तत् दातव्यम्। जहाँ दान देके आपको अच्छा लगता है, जहाँ दान देके आपके मन को प्रसन्न होता है, वहां दान दो। कहीं भी, कोई कुत्ते को खिलाते हैं, कोई बिल्लियों को खिलाते हैं, कोई मांगने वाले को देते हैं, कोई कहाँ दान देते, कोई कहाँ दान देते, जहां मन अच्छा हो वहां दान दो, जहां अच्छा लगे वहां दान दो। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं कोसल देश के राजा प्रसेनजीत, भगवान कहां दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? जैसे काम करते हैं ना, काम करने वाले कोई दिन में 100 रुपया कमाते हैं, कोई दिन में 250 रुपया कमाते हैं, कोई दिन में 500-1000 कमाते हैं, और कोई कोई दिन में 10,000, 50,000, 1,00,000, और कोई है ना करोड़ों भी कमाते हैं एक दिन। तो कहां दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? दान तो दान है, पर कहां दान देने से? तो भगवान भी तो कहते हैं, महाराज पहले का प्रश्न और अभी का प्रश्न जमीन आसमान का फर्क है। कहां दान देना है? जहां अच्छा लगे वहां दान देना है, पर कहां दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? जिस तरह अभी बरसात समय है, खेती में काम करने वाला पूरा खेत में धान रोपते हैं, धान के बीज डालते हैं, वो अच्छा धान के बीज को अगर अच्छे खेती पे लगाएंगे, हवा पानी अनुकूल होगा, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को थोड़ा कंकड़ है, थोड़ा
रहती है, ऐसे खेतों में हम लगाएंगे तो क्या होगा? हवा पानी अनुकूल होने के बावजूद भी फलेगा, पर बहुत कम धान आएगा, बहुत कम फलेगा। अभी वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए नदी में हम लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, वो धान फलना तो दूर की बात, जो धान के बीज है वो भी बह के जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं, उन ये दान जो है एक पुण्य रूपी बीज है, अगर अच्छे जगह पे गुणवान सिलवान व्यक्तियों को दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। अच्छे नहीं है फिर भी हम दान देते हैं, उसका भी पुण्य मिलेगा। जैसे मांगने वाले को दान देते हैं, क्या पता बाद में वो दारू पिए, बाद में वो जुआ खेले, बाद में वो झगड़ा करके बहते, कुछ भी करे, पर हमने दान दिया उसका पुण्य मिलेगा, पर कम मिलेगा। और कभी कभी तो जहां दान नहीं देना था वहां दान देने से पुण्य मिलना तो छोड़ ही दो, कभी कभी पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। हाँ, समझ रहे क्या? जैसे भोजन दान देना पुण्य है करके डायबिटीज पेशेंट को जबरदस्ती हम भात खिला दिया, हाँ चावल खिला दिया, तो उसको अच्छा होगा क्या? नहीं, पुण्य मिलेगा क्या? किसी ने हमें अरे आपने बहुत उपकार किया करके जो गुंडा है, जो गलत काम करने वाले, उसको 50,000 का तलवार, 5,00,000 का पिस्तौल ऐसा करके दान दिया, तो उससे अच्छा होगा क्या? पुण्य मिलेगा क्या? हम दे तो रहे 50,000 का, दे तो रहे 5,00,000 का, पर पुण्य मिला क्या? नहीं, उल्टा पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अच्छे जगह पे जहाँ दान देके उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, ऐसे जगह पे और सिलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देने से उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। भगवान बुद्ध का ये जो उपदेश है, ये मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी चर्चा का विषय होता है। राजा मिलिंद ये नागसेन अरत भंते को पूछते हैं कि दान कहाँ देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। ध्यान से सुनिए, कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? पशु पंछियों को भी दान देते हैं बहुत सारे लोग, कुत्ते बिल्ली को खिलाना, पंछियों को दाना डालना, है ना, बंदरों को खिलाना, ऐसे पशु पंछियों को भी दान देने वाले बहुत लोग है, उसका भी पुण्य है। मगर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा है, क्योंकि इंसान चेतनशील प्राणी है। पशु पंछी तो कहीं से कुछ भी खा सकते हैं, पर इंसान नहीं खा सकते, इसलिए इंसान को दान देने का पुण्य ज्यादा मिलता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, बुरे से बुरे ऐसे इंसानों को, सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा बनने की जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा इंसान, एक सिलवान, एक गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। सैकड़ों ऐसे सिलवान गुणवान को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको दान देने का पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है। मार्ग फल बोले तो दुखा मुक्ति के मार्ग फल में पहुंच चुके, जैसे श्रोतापति फल में, सकदागामी फल में, अनागामी फल में, दुखा मुक्त अनंत फल में, ऐसे मार्ग फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देने का पुण्य बहुत ज्यादा है। फिर तथागत बुद्ध कहते उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देने का पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है, और उससे भी ज्यादा सम्यक सम्बुद्ध को,
तथागत बुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए दान वही है, दान पुण्य रूपी बीज वही है, पर जहां मतलब गलत है ऐसे जगह पे दान देंगे या पशु पंछियों को दान देंगे थोड़ा ही पुण्य, इंसान को दान देंगे और उससे थोड़ा ज्यादा पुण्य, अच्छे बनने की प्रयास करें इंसान को दान देंगे तो उससे और ज्यादा पुण्य, अच्छे इंसान को देंगे तो उससे और ज्यादा पुण्य, दुखमुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देंगे तो उससे बहुत ज्यादा पुण्य, प्रत्येक बुद्ध को दान देंगे तो और ज्यादा, और सम्यक संबुद्ध को दान देंगे तो उसका पुण्य इतना उतना ही नहीं, बहुत ज्यादा। इस तरह दान कहां देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा ये हमें सोच के दान देना है। काम तो करते हैं, पैसा तो मिलता है, पर कहां काम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा वो सोचते हैं। मगर एक ही दिन में 1,00,000 मिलता है करके मैं भी 1,00,000 का ही काम करूंगा, कर पाएंगे क्या? अपना क्षमता भी होना चाहिए ना। उसी तरह दान भी नहीं, मैं बुद्ध को ही दान दूंगा, बुद्ध मिलेगा क्या? प्रत्येक बुद्ध को ही दान दूंगा, मिलेगा क्या? मार्ग फल लाभी बनते को ही दान दूंगा, अब कहां ढूंढ के बैठेंगे, और मार्ग फल लाभी किसको पता है ना। इसलिए जैसे मिलता है वहां पे जितना ज्यादा पुण्य कर सकते ऐसे पुण्य करना। और तथागत बुद्ध संघ के नव गुण में एक गुण बताते हैं, अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्य, लोक में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है। जैसे खेतों में कोई भी बीज डाला तो बहुत ज्यादा आता है ना, उससे भी अनुपम अनुतर जिसका गिनती नहीं ऐसे संघ पुण्य रूपी खेत समान संघ है, जहां हम थोड़ा भी दान देंगे तो उसका इतना बढ़ चढ़ के उसका फल आता है। इसलिए संगे दिनम महाफलम, तथागत बुद्ध कहते हैं संघ को दान देना महान फलदायी है। इसलिए दान तो देना है, पर दान देते समय श्रद्धा चित्त से दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है, अपने क्षमता से दान देना है, जिसके पास है के हिसाब से दान देना है, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान देना है, पर दान देना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध ऐसे ही दान के विषय में उपदेश नहीं देते, ऐसे ही दान देने के लिए उपदेश नहीं देते, क्योंकि दान देने से ही उसका मन इतना नम्र होगा, इतना लोभ मुक्त होगा कि वो दूसरे दूसरे गुण धर्म वो ग्रहण करने के लिए जल्दी जल्दी सक्षम हो जाता है। इसलिए दुख मुक्त भी होना है तो दान पारमिता पूर्ण करना है। गृहस्थों के लिए जो उपदेश दिया दानशील भावना, उसमें भी बुद्ध दान का ही पहला उपदेश देते है। कोई भी व्यक्ति आके बुद्ध से दुख और दुख मुक्ति का उपदेश सुनने के लिए आए तो बुद्ध जल्दी दुख और दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते, उन लोगों को प्रारंभिक उपदेश देते हैं, अनुपूर्वी कथा सिलसिलाबद्ध उपदेश देते हैं, उसमें भी सबसे पहले दान कथा ही उपदेश देते हैं, दान के बाद सिल कथा ऐसे प्रारंभिक उपदेश देते है। तो दान बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवन में दान का अभ्यास नहीं कर सकते वो व्यक्ति सील का अभ्यास, समाधि का अभ्यास, प्रज्ञा का अभ्यास नहीं कर पाते। और दान देने से किसका कल्याण होगा, किसका कल्याण होगा? मैं बार बार एक मुंबई के एक उपासिका का ये संदर्भ बोलता हूँ, जैसे मस्काई है ना, वैसे ही उनसे भी बहुत ही बुरी एक उपासिका, वो भंते जी, वो उपासिका मुझे बोलते भंते जी, बहुत सारे लोगों को लगता है हम दान दे रहे उनके उपकार के लिए, उनके उपकार के लिए, काहीं का उनके उपकार, दान देते ही हमें पुण्य मिल गया, उपकार तो अपना ही है ना, दान देते ही हमें पुण्य मिल गया और वो पुण्य से न जाने हमें
कहां सुगति लेके जाएगा, किसका उपकार हो गया, अपना ही हो गया ना। इसलिए दान देने से पहला उपकार अपना ही है, दान देते ही पुण्य हो गया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, दान देने से हमारे मन के लोभ लालच को भी दमन कर सकते हैं, लोभ लालच को भी समन कर सकते हैं। हर चीज में लोभ लालच आता है ना, अरे ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। वो लोभ लालच की वजह से लोग दुनिया में हर पाप करने के लिए तैयार होता है। ऐसा कोई पाप नहीं रहता जो ये लोभी लालची इंसान नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ पाप है, जहाँ पाप है वहाँ दुख अशांति है। ऐसे दुख अशांति के कारक ये लोभ लालच हटाने के लिए भी दान ही देना है। दान देने से ही वो कम होगा, बाकी किसी प्रकार से कमी नहीं होगा। इसलिए हमें ये दान करना है, ये पुण्य है। शील पालन करना है, ये पुण्य है। मन को एकाग्र करना है, मन को परिशुद्ध करना है, ये पुण्य है। और ऐसा पुण्य हमें बार बार बारंबार करते जाना है, निरंतर अभ्यास करना है। जब तक ये हमारे जीवन का एक आदत नहीं बनता तब तक जानबूझ के ही बार बार बारंबार करते जाना है। एक बार आदत बन गया ना, फिर आप चाहो न चाहो दान होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान साधना होता रहेगा। आदत बनाना जरूरी है और ये मेहनत हम ही कर सकते हैं। जो इंसान जिस चीज में अभ्यास करते है उसमें ही सफल होगा। अभी आप लोग ऐसे ही मिलके दुनिया भर के निंदा चर्चा करके बातें करके भी बैठ सकते हैं, है ना। कोई यहाँ वहां घूमने के लिए ही जा सकते हैं, दूसरे दूसरे चीज जिसमें जो करेंगे वो ऐसा ही। अभी वर्षावास है करके नहीं, हमें पुण्य करेंगे, हम खुद भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे करके आगे बढ़ा, तो ऐसे ही कार्यक्रम होता रहेगा, ऐसे ही पुण्य कार्य होता रहेगा। हम जो चीज में अभ्यास करेंगे उसी में सफल होगा। और ये हम ही कर सकते, दूसरे कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग नहीं कर सकते। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके, तथागत बुद्ध के धर्म को अच्छे से जान के समझ के पालन करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण भी साक्षात्कार करने के लिए ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए ये रमदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए। रमदेशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विवाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। ईचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपनरसो यथा।
आयु आरोग्य संपाति सग संपाति मेवच अतो निपान संपाति इमिनाते समेजतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी जन बोले साधु 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 दानंद दंदु सत्ताय शीलं रक्खन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सभे बुद्धा बलवत्ता पच्चे कानंच यं बलं अरहंतानंच तेजेन रक्खं वंदामि सप्पसु साधु साधु साधु। एक बार वर्णन कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सुखी हो। साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।